अगर आपके भी बच्चे घंटों घंटों तक मोबाइल, टीवी और लैपटॉप की स्क्रीन पर डटे रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही लत उन्हें मायोपिया का शिकार बना सकती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्षों में छोटे छोटे बच्चों में मायोपिया की बीमारी 3 गुना तक बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 में अकेले दिल्ली में मायोपिया के 7% केस थे। मोबाइल का चलन बढ़ने पर 2011 में 13.5% केस हो गए और अब 2021 तक 21% बच्चे मायोपिया के शिकार हैं। डॉक्टरों के अनुसार मायोपिया का समय रहते इलाज नहीं किया गया तो यह आगे चलकर बच्चों में अंधेपन की वजह बन सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा रिस्क किसे है। छोटी स्क्रीन पर अधिक समय गुजारने वाले बच्चों को स्मार्ट मोबाइल पर वीडियो देखने और गेम खेलने से, लेटकर या झुककर पास से मोबाइल देखने पर जिनके माँ बाप को चश्मा लगा है उनको। अब लक्षण क्या क्या है? किताब पढ़ते या कॉपी में लिखते समय बहुत नजदीक से अगर आपके बच्चे देख रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। क्लासरूम में बोर्ड साफ ना दिखाई दे, बच्चा सिरदर्द, आंखों में खुजली की शिकायत करे, पानी आने या जलन की शिकायत करे, बच्चों को दूर का अक्षर पढ़ने में परेशानी हो और बच्चा अपनी आंखों को बार बार मसलता हो। बचाव कैसे करें? अब बात इस पर, बच्चों का स्क्रीन टाइम सबसे पहले तो कम कर दें। स्मार्ट मोबाइल फोन से बच्चों को दूर रखें। रोजाना 1-2 घंटे के लिए पार्क में उन्हें खेलने दें। लेटकर या झुककर बच्चों को पढ़ने न दें। हरी सब्जियां, मौसमी फल, जूस, ड्राई फ्रूट अधिक दें। और अगर आपके बच्चों को किसी भी तरह की शिकायत होती है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाएं।